యెహోవా ఎలియోన్ సృష్టికర్త మేరా పితా బన్ గయా యెహోవా ఎలియోన్ సృష్టికర్త మేరా పితా బన్ గయా అబ్ తో మే సనా తు హు అబ్ తో మే John chapter 16 उसका 33 आखिरी वचन है। मैं इस बातों तुमसे इसलिए कहे तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुझे क्लेश होता है। सो उधर यीशु ने क्या कहा, इन द वर्ल्ड देयर इज सफरिंग्स, संसार में क्लेश होता। तो संसार बोलेगा तो इधर अर्थ और अलग हो गया, जो क्लेश से बड़ा हुआ, दुख से बड़ा हुआ, एवरी काइंड ऑफ इमोशन, एवरी काइंड ऑफ है ना हालेलुया, ये सब मिलजुल के एक बात है। इधर संसार, ये संसार में तुम्हें क्या है, क्लेश। तो जब यीशु ने कहा ये संसार में तुझे क्लेश है, इसका मतलब जब एक इंसान इस दुनिया में जिएगा, इधर तुम्हें काफी ऐसे अलग अलग चीजों को सामना करना पड़ेगा, अलग अलग चुनौतियों को तुम्हें सामना करना पड़ेगा। इस संसार में तुझे क्लेश है, देर इज डिफिकल्टीज, देर इज सफरिंग, हालेलुया, कष्ट है, संकट है, मुसीबत है, समस्याओं है, चुनौतियों, कौन बोले यीशु, लेकिन मैं क्या किया, मैं संसार को जीत लिया। मतलब मुझको भी क्लेश था, समस्या था, चैलेंजेस था, लेकिन मैं ओवरकम किया। इसलिए तुम भी क्या करो, हालेलुया, हिम्मत रखो, टाटस बांधो और आगे। मैंने संसार को जीत लिया। देखो क्यों तुम्हें टाटस बांधना है, क्योंकि मैंने संसार के ऊपर, तो ये संसार में जो कष्ट कठिनाई है, सब बड़ा हुआ जो सिस्टम को आज तुम सामना कर रहे, एक भाग में पाप का जो कीच, संसार का जो अभिलाष रहा, वो है ना जो टेम्पटेशन लाने वाला चीजों में एक भाग में, पाप में गिराने का कोशिश दूसरा भाग में, हालेलुया, झूठे भविष्य तो तुम एक साइड में खड़ा है, योना का पत्री पड़ेगा तो वो सब इंक्लूडेड है, भाई भीड़ एक साइड में, हालेलुया, काफी चुनौतियों, अलग अलग चुनौतियों, लेकिन यीशु ने कहा इन सारे विषयों के ऊपर मैंने क्या किया, जीत पाया, मैं जय पाया, मैं ओवरकम किया। इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हियाव बांध के खड़ा रहना पड़ेगा, टाटस बांधे, हालेलुया, टाटस बांधो, क्योंकि मैं संसार के ऊपर, यीशु संसार के ऊपर जीत पाया, तो हमें क्या फायदा हुआ है। पहले यूहन्ना का पत्री 4 में लिखा है, उसका 4 का 4 पढ़िए, हे बालको तुम परमेश्वर के हो, तुमने उन पर जय पाई है। तुम जय पाने वाला है, किस पर जय पाने वाला है, जो दबाने वाला हर शक्तियों के ऊपर तुम जय, तुम पार करने वाला है, यू विल ओवरकम, द रीजन यू विल ओवरकम, आप क्यों ओवरकम करने वाला है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हो संसार में है जो उससे बड़ा तेरा अंदर है, और उन्होंने जीत पाया हुआ है, इसलिए तुम टाटस बांधो, हालेलुया, धैर्य के साथ में खड़ा रहो, तुम भी जीत पाएगा, तुम भी ओवरकम करेगा, यू विल ऑल्सो ओवरकम, हालेलुया, इस दुनिया का सारे सिस्टम को तुम ओवरकम करेगा, ना पाप से बड़ा हुआ संसार का अभिलाषों को तुम ओवरकम करेगा, झूठा भविष्यद्वक्ताओं को तुम ओवरकम करेगा, हर चुनौतियों को तुम ओवरकम करेगा, इस दुनिया में तुम्हें संकट है, क्लेश है, उसको तुम ओवरकम करेगा, कोई भी तरह का हालेलुया रुकावट तेरे आगे आ रहे उसको तुम ओवरकम करेगा, क्योंकि ओवरकम किया हुआ यीशु अपने अंदर है, ओवरकम किया हुआ यीशु अपना अंदर है, हालेलुया, पाप को ओवरकम करेगा। अभी तक जो पाप के ऊपर हम जीत हासिल नहीं कर पाए, उस पाप के ऊपर हम जीत पाएगा कैसे, यीशु को बोले ना, यीशु मुझे मदद करो, वो अपने अंदर है, वो हमें मदद करेगा, वो ओवरकम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए मदद करेगा, मदद करेगा, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हम ओवरकम करेगा। मैंने काफी बार बताया है, मैं उद्धार पाए उस समय में मैंने सुना हुआ एक रेडियो
क्या बोलते प्रभाषण का बारे में, मैं उधार पाया 93-94 का समय, काफी लोग कहा देखो हालेलुया ये ज्यादा आगे जाने वाला, जो शुरुआत में थोड़ा जोश रहते उसके बाद में क्या करेगा धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा। तो मुझे कहा ज्यादा का ज्यादा 3 महीने, कितना महीने ज्यादा का ज्यादा 3 महीना तेरा क्या बोलते ये अनुभव मन फुराने का ये अनुभव है, उसके बाद में हम देखेगा बोला। मैं परमेश्वर से बोला प्रभु मैं कैसे खड़ा रहेगा, क्योंकि मैं नौजवान है 18-19 साल है और बहुत मुझे आगे जीने के बाकी है। लास्ट मोमेंट में उधार पाएगा तो फिर क्या ना ज्यादा चुनौतियों नहीं है, लेकिन मुझे आगे बहुत सालों भी जीना पड़ेगा। मैंने उस दिन कहा हानुक 3 साल नहीं 300 साल परमेश्वर के साथ में चला, 1-2 साल है तो ठीक है 300 साल बहुत लंबा, हमें क्या करना पड़ेगा यीशु के साथ में चलना पड़ेगा। मैं पूछा प्रभु मैं कैसे जिएगा, लोग दुनिया कह रहे 3 महीने से ज्यादा ये टिकने वाला नहीं है। ऐसे एक दिन सुबह सुबह रेडियो विश्वाणी से परमेश्वर का दास का प्रभाषण जॉर्ज चरियान करके कोई था, उस परमेश्वर का दास ने कहा हालेलुया देखो भविष्य में बहुत बड़ा एक हालेलुया परमेश्वर का दास बन गया वो एक व्यक्ति जब उन्होंने उद्धार पाया, एक नौजवान था। उनका दोस्तों आके उनको पूछा क्या तुम स्थिर रह पाओगा इतना मतलब छोटा उम्र में यीशु को स्वीकार किया, कैसे तुम दुनिया का अभिलाषों को और कब करेगा, तुम हारने वाला है, इससे अच्छा था तुम बुजुर्ग होने के बाद में उद्धार पाओ आसान था, हालेलुया तुम ऐसे आगे कैसे जी पाऊंगा। तो उन्होंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा। उसका दोस्तों बोले फिर तुम क्यों भी निर्णय लिया, अगर नहीं कर सकते तो तुम एक क्यों निर्णय लिया। उन्होंने जवाब दिया मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन जब मैं उद्धार पाया मेरा अंदर एक आया है, उन्होंने इस दुनिया को ऊपर जीत पाया है। आई कैन नॉट डू दैट बट हालेलुया व्हेन आई एक्सेप्टेड जीसस एज माय पर्सनल सेवियर ही केम टू माय हार्ट हालेलुया एंड ही इज द वन हु ओवरटूक द वर्ल्ड हालेलुया दुनिया को ऊपर हालेलुया जीत पाया हुआ एक व्यक्ति मेरा अंदर आया है, दुनिया को ऊपर जीत पाया यीशु मेरा अंदर है, मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन यीशु कर पाऊंगा। तो हम भी कहो मैं और कम करेगा, कैसे और कम करेगा, मेरा ताकत से नहीं है। यीशु ने कहा टाटस बांधो क्योंकि मैं दुनिया को ऊपर जीत पाया है, दुनिया को ऊपर जीत पाए यीशु मेरा अंदर है। हम हमेशा कहते मेरा साथ में है, मैं बोलना चाहता साथ में नहीं, ये उद्धार पाया परमेश्वर का बच्चा का अंदर है, हालेलुया यीशु अंदर है, उन्होंने सामर्थ देगा। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर से जो जन्मा वो क्या करने वाला है, वो जयवंत रह के जीने वाला है, वो जीत पाने वाला है, वो पार करने वाला है, कष्टों को पार करेगा, मुसीबतों को पार करेगा, चुनौतियों को पार करेगा, रुकावटों को पार करेगा, लाल समुद्र जैसे हालेलुया समस्याओं में आगे होगा पार करेगा। धन्यवाद यीशु, दीवारों को कूद के पार करेगा। धन्यवाद यीशु, जो कूद के पार नहीं कर पाऊंगा वैसे पहाड़ों को प्रभु क्या करेगा, कभी कभी हालेलुया तुम्हें इसे सामर्थ देगा उसको हालेलुया समतल बनाने का, उसको दार डालने का सामर्थ प्रभु तुम्हें देने वाला है। कभी कभी तेरे आगे बड़ा पहाड़ों को तुम खड़े खड़े होकर देखेगा प्रभु छुएगा, वो मैदान बनने वाला है। सुनो बाइबल, तेरे आगे जो महापर्वत है उसको क्या करेगा, मैं मैदान बनाने वाला है। सुबह से प्रार्थना कर मेरे आगे भी एक पहाड़ खड़ा है, उसको परमेश्वर इस दिनों में मैदान बनाने वाला है। मेरे आगे भी कुछ रुकावटों में उसको परमेश्वर इस दिनों में मैदान बनाने वाला है। कितना लोग आज सुबह समर्पण करेगा, हम भी पार करेगा, विशाल ओवरकम, विशाल ओवरकम, विशाल ओवरकम वन डे। हालेलुया, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, क्यों मन में पूरा विश्वास है, मन में पूरा विश्वास है। मार्टिन लूथर किंग है ना, मार्टिन लूथर किंग उन्होंने बनाया गाना है, उन्होंने कहा ही वॉज अ पास्टर। मार्टिन लूथर किंग कौन था, अमेरिकन पास्टर था, ही वॉज अ पास्टर।
कलीसिया के अंदर प्रीचिंग का समय में उन्होंने काफी गाना बनाया था, उसमें से एक गाना है वी शैल ओवरकम वन डे और सम डे। हालेलुया, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आपको जानते हैं अफ्रीका वंशियों को अमेरिका में देवर स्लेव्स देयर, गुलाम बना के रखा था ना, उनको ज्यादा फ्रीडम नहीं था, अनटचेबिलिटी वॉज देयर, अछूत कहते हैं ना, अनटचेबिलिटी इट वॉज देयर। हालेलुया, जाति भेद बहुत ज्यादा था, लेकिन वो लोग कहा हम एक दिन कामयाब होने वाला है। हालेलुया, क्या वो इतिहास से हमें मालूम है उस जंजीरों को खोला, स्वतंत्रता मिला, आपको हमेशा के लिए दबा के रख नहीं पाऊंगा। इसे मार्टिन लूथर जो पास्ट ने गाया, आप भी एक दिन कामयाब होने वाला है, पार करने वाला है, आपका परिवार पार करेगा, उस पार जाके अब मुस्कुरा के कहेगा मैंने पार किया, इट वॉज अ बिग सिचुएशन इन माई लाइफ बट गॉड हेल्प मी टू ओवरकम इट। वो पार करने का सामर्थ्य प्रभु ने दिया, इर्दान को पार करने के बाद में यशुआ ने क्या कहा मालूम है, वेट, वी नीड सम मोर टाइम। हालेलुया, इर्दान को पार करने के बाद में यहोशु ने बोला इसे घाई में हमें इर्दान को वापस बहने के लिए मत दे दो, वी वॉन्ट गेट सम मोन्यूमेंट्स। हालेलुया, हमें ऐसे कुछ निशाना चिन्ह चाहिए, प्रभु ने अपने लिए बहुत बड़ा काम किया। जाओ जहां याजकों का पैर रखा था उस उधर से क्या करो, कुछ पत्थरों लेके आ जाओ, टेक सम स्टोन्स। हालेलुया, 12 पत्थरों लेके आया और क्या किया, उधर एक खंबा एक निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा अद्भुत प्रभु ने किया है, बहुत बड़ा अद्भुत। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, एक बार पार किया उसके बाद में आप भी बोलेगा परमेश्वर आज तक मेरे लिए अच्छा था, मैं ओवरकम किया। व्हेन यू टर्न बैक एंड सी, आप पीछे मुड़ के देखेगा, हालेलुया हालेलुया, पीढ़ी पीढ़ी तक देख पाओगे वैसे कुछ मोन्यूमेंट है ना उधर खड़ा हो गया, याद के लिए एक कंबा उधर खड़ा हो गया, पीढ़ी पीढ़ी तक देख के कहेगा अपने पूर्वों के लिए प्रभु ने क्या किया, बहुत बड़ा अद्भुत काम किया। आपके लिए भी करेगा, आपका परिवार के लिए भी करेगा। हालेलुया, आपका पीढ़ियों आगे एक दिन कहने वाला है, मेरा पिताजी के समय में, मेरा दादाओं के समय में प्रभु ने किया हुआ चमत्कार का निशाना उसका चिन्ह है। ऐसे बोलने के लिए प्रभु आपको भी अवसर देगा, आपका पीढ़ियों को भी अवसर देगा, पार करेगा। हालेलुया, वी विल ओवरकम। हालेलुया, वी विल ओवरकम, हम पार करने वाला है। यशुआ बोला घाई में मत जाओ, हमें और भी दौड़ा काम है। सब लोग पार किया, अभी चाहिए तो याजकों उस जो नदी का बीच में से हट सकते हैं, सही है ना कहानी, आपको जानते नदी के बीच में संतूक उठा के कौन खड़ा है, याजकों वापस किनारे में आ गया, क्या होने वाला है, नदी वापस बहने वाला है। यशुआ बोले वेट फ्यू मोर मिनट्स देयर, हमें और भी दौड़ा काम है। हालेलुया, क्या काम है, अरे सब लोग पार किया, अभी क्या काम है, अभी हमें वी वॉन्ट टू हालेलुया याद के लिए कुछ पत्थरों लेके आना है इस नदी से, और जहां पर उनका था उधर क्या करना है, उधर भी हमें कंबा लगाना है। हालेलुया, उधर भी लगाने वाला है और किनारे में भी हमें क्या करना है, हालेलुया, याद के लिए एक निशाना रखना है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, क्यों, क्योंकि पार करने का सामर्थ्य प्रभु ने दिया। धन्यवाद यीशु, वन सेकंड, काफी परमेश्वर का भक्तों बहुत बड़ा चैलेंजेस को पार करने के बाद में उन्होंने हमेशा क्या करते थे, मतलब उस जगह का कुछ नाम देते थे, ना तो उस जगह में कुछ ना तो कुछ ना, हालेलुया, somebody build an altar there, कोई एक बेली का वेदी उधर बनाया, कोई कंबा उधर लगाया, शमूएल ने कंबा लगा के कहा हो यबनेसर, हालेलुया, अब तक परमेश्वर हमारा साथ में था। मूसा ने कहा यहोवा निसी, यहोवा मेरा जीत का झंडा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। याकूब ने कहा ये लूस नहीं है, बता ले
धन्यवाद यीशु। याकूब ने फुर कहा, ये पेनियल है, आई हैड अ फेस टू फेस एनकाउंटर विद गॉड। इस जगह में मैं याबूक का जो तड़क को एक नया नाम मिला, क्या नाम मिला? पेनियल। आई हैड अ फेस टू फेस एनकाउंटर विद गॉड, मैं परमेश्वर को आमने सामने इधर देखा। हालेलुया। पार करने के बाद में क्या होता है मालूम है? आप भी कुछ कहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना उसका बेटा को शमूएल बुलाया, क्यों शमूएल बुलाया? वो नाम सुनेगा तो दुनिया कहेगा, देखो हालेलुया, ये प्रार्थना का उत्तर है। पार करने के बाद में आप भी कहेगा, ये मेरा यहोवा निसी है, ये मेरा शमूएल है। हालेलुया, ये मेरा शमूएल है, ये मेरा यहोवा निसी है, ये मेरा चमत्कार का निशाना है। यू आर गोइंग टू से दैट, ये मेरा चमत्कार का निशाना है। हालेलुया, ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये मेरा चमत्कार का। आमेन, आमेन। अमेरिका में एक चर्च में सेवकाई कर रहे था, डालस में। जैसे मैं स्टेज में खड़ा था, वन फैमिली वाज देयर, दे वर होल्डिंग ए चाइल्ड, एक बच्चे को हाथ में इसे पकड़ा था। रुक आत्मा मुझे ऐसे कहा था, चाइल्ड इज ए मिरेकल। रुक आत्मा मुझे कहा, वो बच्चा क्या एक अद्भुत, एक मिरेकल है, द चाइल्ड इज ए मिरेकल। मैं स्टेज में से उतरा, आई वॉज प्रेइंग फॉर द पीपल एंड दिस फैमिली केम। हालेलुया, एंड आई वॉज प्रेइंग फॉर दम। उस पापा मुझे क्या कहा, हम बोले पास्टर मेरा बच्चा का नाम आपको जानते हैं? मैं बोले नहीं, मेरा बच्चा का नाम है मिरेकल। क्या है? हालेलुया, दे नेम द चाइल्ड एंड गॉड वॉज ना, प्रभु मुझे कहता था उस बच्चा एक चमत्कार है। मैंने पूछा क्या हो गया, क्यों मैं इसे नाम दिया? तो बोला देखो, शादी के बाद में 21 साल बाद में हमें बच्चा मिला, आफ्टर 21 ईयर्स वी गॉट द चाइल्ड। हालेलुया, एंड वी नेम्ड द चाइल्ड मिरेकल। हालेलुया, क्या नाम दिया? मिरेकल। क्यों? क्योंकि वो मिरेकल का एक निशाना है। आमीन। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, हालेलुया, प्रभु ने आपके जीवन में पार करने का अभिषेक देगा, आप पार करेगा, पार करने के बाद में आप भी कहेगा, हालेलुया, मेरा चमत्कार का निशाना है। ये लाल समुद्र पार हो गया मैं, ये यरदन पार हो गया मैं, हालेलुया, मैं भूलने वाला नहीं है, उसका निशान हमें आगे देखने वाला है। धन्यवाद यीशु। आंखों बंद कर दीजिए और कहो, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम एक दिन पार करेगा। We will overcome one day. God will help us to overcome one day. प्रभु का वचन में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है, कोई भी परमेश्वर का दास है ना, भक्त नहीं है जिनका सामने कोई रुकावट नहीं आया। मैं आप सबको देख के कहना चाहता हूं, इफ गॉड इज हैविंग ए बिग प्लान अबाउट योर लाइफ, हालेलुया, इफ गॉड हैज गिवन सम बिग प्रॉमिसेस टू यू, देयर विल बी बिगर चैलेंजेस। हालेलुया, अगर आपको प्रभु ने बहुत बड़ा वायदा दिया, आपके बारे में प्रभु का योजना बहुत बड़ा है, आपको भी बहुत बड़ा, हालेलुया, रुकावटों को सामना करना पड़ेगा। अगर आपका सपनों बड़ा है, आपका चुनौतियों भी बड़ा रहेगा। यूसुफ का सपनों बहुत बड़ा था, इसलिए उनका चुनौतियों भी, उनका रुकावटों भी बहुत बड़ा था। डू यू हैव ए बिग प्रॉमिस? Do you have a big dream? कि बहुत बड़ा चुनौती है। हालेलुया, हालेलुया। सरुबाबेल, एस्रा, नहमिया, ये सभी लोग मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम में आ पहुंचा, उनके पास कुछ नहीं था, they were ordinary people, आम लोग था। हालेलुया, धन दौलत नहीं है, सामर्थ नहीं है, सेना का सपोर्ट नहीं है, हालेलुया, कुछ नहीं था। उस पहले का मंदिर कौन बनाया था? सुलेमान राजा। सुलेमान के पास क्या था? सब कुछ था। He was having everything. He was having might. He was having power. He was having wisdom. He was having ancestral property. उसका पिताजी सब कुछ संभाल के रखा था मंदिर। कितना आसान था उनको बनाने का काम, है ना? पापा सब कुछ संभाल के रखा है, पापा सब कुछ क्या है ना, प्रबंध करके रखा है आगे का मंदिर का काम के लिए, और मंदिर का डिजाइन के लिए प्रभु ने उसको विजडम भी, ज्ञान भी दिया है। राजा है, आसानी से काम कर सकते था। पीपुल वर रेडी टू वर्क फॉर हिम। हालेलुया, लेकिन एस्रा, सरुबाबेल, जोशुआ, ये सभी लोग, धन्यवाद यीशु,
मंदिर बनाने के लिए, उनके पास क्या था? कुछ नहीं था। उनको लगा अपने आगे एक महा पहाड़ खड़ा है, हम कैसे बना पाऊंगा। परमेश्वर ने कहा वो महापहाड़ को मैं समतल बनने वाला है। कैसे? कैसे? हालेलुया। प्रभु ने कहा ना तो बल से ना सामर्थ्य से, मगर मेरा आत्मा का द्वारा। अभी विश्वास करो, अपना शक्ति से नहीं है, अपना सामर्थ्य से नहीं है। इसरा तेरे पास क्या है? क्या सुलेमान का जैसे धन दौलत तेरे पास है? ज़रुब्बाबेल तेरे पास क्या है? क्या सुलेमान का जैसे तुम बुद्धिमान है? हालेलुया। क्या सुलेमान का जैसे पापा सब कुछ संभाल के रखा है तेरे लिए? ज़रुब्बाबेल कहेगा कुछ नहीं है। क्या है तेरे पास? सपना है। क्या सपना है? हमें भी बनाना है। क्या सपना है? हमें भी। ओ सुलेमान बनाया। हम कभी कभी ऐसे कहते हैं हालेलुया, अगर सुलेमान बनाए उतना अच्छा नहीं बनाएगा तो भी चलेगा, उससे छोटा है ना। द रीजन यू नो समटाइम वी यूज टू कंपेयर आवर लाइफ विद दैट पर्सन लाइफ, और हम कहे उतना ताकत मुझे नहीं है, उतना मैं कर नहीं पाऊंगा, थोड़ा छोटा। हम कॉम्प्रोमाइज करेगा, हम क्या करेगा? हम कॉम्प्रोमाइज करेगा। हम कहे उतना मैं बना नहीं पाऊंगा, आई कैनॉट बिल्ड दैट मच। सुलेमान बनाए उतना में। द रीजन यू नो यू आर कंपेयरिंग यूर सेल्फ विद सोलोमन, दैट्स योर प्रॉब्लम। डू नॉट कंपेयर यूर लाइफ विद सोलोमन्स लाइफ, डू नॉट कंपेयर यूर लाइफ विद दैट पास्टर्स लाइफ। हालेलुया। अपने गलती हुई है, आप उनके साथ में तुलना करके बोलेगा देखो उतना तक मुझे नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, उसके साथ सब कुछ है। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा मालूम है? हालेलुया, उससे बेहतर तुम बनाएगा। हगाई भविष्यद्वक्ता ने कहा हे ज़रुब्बाबेल तुमको जान दे जो मंदिर तुम बनाएगा पहले का मंदिर से ज्यादा उसका महिमा रहेगा। कैसे? ना तेरा ताकत से, ना तेरा बल से, ना सेना के बल से, मगर मेरा आत्मा का द्वारा, मगर मेरा आत्मा का द्वारा। हालेलुया। कुछ लोग कहो हम भी बनाएगा, सिर्फ स्वप्नों बाकी है, स्वप्नों में तो चुनौतियों भी है, लेकिन हम पार करेगा। कैसे पार करेगा? इस महापर्वत कैसे हट जाएगा? ओ परमेश्वर का आत्मा का द्वारा, परमेश्वर का आत्मा का द्वारा। एवरी आईज क्लोज्ड एंड प्रे लॉर्ड हाउ वी बिलीव दैट നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവേ, ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയം എന്തുവാ? നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാ കേട്ടോ, ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയം. സോ സേ ഐ ബിലീവ്, ദുനിയാക്ക് പാർ കിയാ वो आपका विश्वास है। तो कैसे पार करेगा? विश्वास का साथ में। आपको विश्वास है आप भी पार करेगा। अगर आपके पास विश्वास है आप भी पार करने वाला है। इफ यू हैव दैट फेथ इन गॉड यू आर ऑल्सो गोइंग टू ओवरकम। हालेलुया। अगर आपके पास विश्वास है आप भी पार करने वाला है। तो जिस वजन का सामने हमें नम्र करते, हम विश्वास करते, पार करने के अभिषेक के साथ में आप हमें चलाने वाला है। अपना आगे आहरे हर रुकावटों को देखे डर के खड़ा रहने के लिए नहीं है। इसराइल का लोग लाल समुद्र का आगे पहले वो लोग डर गया, लेकिन प्रभु ने बोला डर के नहीं मगर विश्वास के साथ में खड़ा रहो। स्टैंड विथ फेथ, स्टैंड स्टिल एंड सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। हालेलुया। खड़ा खड़ा होके देखो मैं क्या करने वाला है, खड़ा खड़ा होके देखो मैं क्या करने वाला है। याजक लोगों को यहोशुआ कहा उस नदी के मध्य भाग में है ना, स्टैंड स्टिल देयर। हालेलुया। इस नदी के मध्य भाग में तुम्हें क्या करना है? हालेलुया, खड़ा रहना है। वेयर यू अंडरस्टैंड, कहां खड़ा रहना है? इन द मिडस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। नदी का किनारे में नहीं, मध्य भाग में। हालेलुया। इन द मिडस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम, चारों तरफ समस्या आए उसके बीच में। हालेलुया, उसके बीच में खड़ा रहना है। एक चट्टान जैसे हिलना नहीं है। आंधियों माने दो, तूफानों माने दो, लहरों विरुद्ध में उठने दो, आप बोलना है आई विल स्टैंड हियर, आई विल स्टैंड स्टिल। हालेलुया। मैं हिलने वाला नहीं है। ओ, आपका विरुद्ध में बहरे बहावों को परमेश्वर बंद करेगा। एवरीथिंग विच इज फ्लोइंग अगेंस्ट यू
हालेलुया, उसको प्रभु ने एक बाउंड्री रखेगा। गॉड इज गोइंग टू डाइवर्ट दैट इश्यूज फ्रॉम योर लाइफ। हालेलुया, दिशा बदल के आपसे दूर करवाएगा, आपको नहीं छुपाऊंगा, वैसे एक सीमा रखेगा, आप पार करेगा, आपका परिवार पार करेगा, आपका बच्चों पार करेगा, आपका आशीषों पार करेगा। साथ में प्रार्थना करेगा, समर्पण कर दीजिए, साथ में प्रार्थना कर दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस वजन का सामने हमें नम्र करते प्रभु जी, पिछले दिनों में आप विश्वास योग्य था, यू आर फेथफुल इन अवर लाइफ, अब तक हमें चलाया, आगे भी हमें चलाने वाला है, अब एबनेसर बन के अपने साथ में रहने वाला है। वी हैव अ निसी, जीत का झंडा बन के, हालेलुया, हमें जीत के साथ में चलाने वाले, इसके लिए धन्यवाद। हम कामयाब, हम जयवंत होने वाला है, हम पार करने वाले, इसके लिए धन्यवाद। समस्याओं के बीच में हाल स्थिरता के साथ में खड़ा रहने के लिए, खड़े खड़े प्रभु का महिमा देखने के लिए हमें मदद कर दीजिए। हमें समर्पण करते प्रार्थना सुने बोल के धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमेन आमेन। सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया।